सैनिकों समारोह जोवा मळी रह्यो छे। विविध मांगणीओ ने लईने निवृत्त सैनिकों विरोध करी रह्या छे। गईकाले विरोध करी रहेला निवृत्त सैनिकों की अटकायत पण करवामां आवी हती अने आज सवारथी फरी वखत निवृत्त सैनिकों धरना शुरू कर्या छे। सैनिकों की तमाम मांग स्वीकारे तेवी रजूआत करवामां आवी छे। शहीद परिवार ने एक करोड मळवा जोईए तेवी मांग करवामां आवी छे। संवाददाता जयंती अपनी साथे वधु विगत साथे लाइव जोड़ाया छे। जयंती, गांधीनगर में बीजा दिवसे पण निवृत्त सैनिकों नो जमावड़ो जोवा मळी रह्यो छे, हजी पण विरोध प्रदर्शन यथावत छे। चोक्कसथी कही शकाय के गईकाले गांधीनगर खाते निवृत्त सैनिकों की संख्या छे मोटी प्रमाण में पहुंची थी। तेमनी 14 जेटली मांगणीओ छे ते लईने पहुंची थी। गईकाले पोलीसे तेमनी अटकायत करी थी। बाद आज बीजा दिवसे पण तेमनो जे अत्यारे विरोध छे ते यथावत छे। तेनी अंदर थी जे माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन ना प्रमुख छे ते अत्यारे अनशन पर उतर्या छे ने तेमनुं कहेवुं छे के सरकार ज्यां सुधी अमारी साथे वाटाघाट सरकार ज्यां सुधी वातों ने नहीं स्वीकारे अमारी 14 मांगणीओ नहीं स्वीकारे त्यां सुधी अमे सतत अनशन करीशुं, आंदोलन पर रहीशुं। गईकाले एक माजी सैनिक नुं कही शकाय के आखी घटना दरमियान मृत्यु पण निपजू हतुं। अत्यारे महत्वनी घटना छे के मोटी संख्यानी अंदर अत्यारे माजी सैनिकों छे ते गांधीनगर विधानसभानी बाजूना साइड जे गेट आवेलो छे त्यां मोटी संख्यानी अंदर अत्यारे माजी सैनिकों बैठा छे। महत्वनुं छे के 14 जेटली तेमनी जे मांगणीओ छे पड़तर मांगणीओ छे वारंवार सरकार ने तेमने रजूआत करी छे, छतां पण सरकार छे ते मांगणीओ ने लईने कोईपण प्रकारनो ज्यारे हजु कही शकाय के वाटाघाटो नथी करी रही त्यारे आखरे मोटी संख्यानी अंदर माजी सैनिकों गांधीनगर पहोंच्या छे। गईकालनी आ जे आखी घटना छे ते चाली रही छे। गईकाले मोटी संख्यामां आव्या हता, तेमनी पोलीस द्वारा अटकायत करवामां आवी हती। आजे बीजा दिवसे पण माजी सैनिकोनो जे मोटो कही शकाय के जमावड़ो छे ते अत्यारे गांधीनगर खाते જોવા મળી રહ્યો છે। આપણી સાથે અનેક સૈનિકો છે, માજી સૈનિકો છે, તેમની સાથે પણ વાત કરવાની કોશિશ કરીશું। તેમના શું મુદ્દાઓ છે સર, કયા કયા મુદ્દાઓ છે જેને લઈને અનશન ચાલે? સર, છેલ્લા 4-5 વર્ષથી અમે આ માંગણીઓને લઈને આંદોલન કરીએ છીએ સતત, પણ સરકાર દ્વારા દરેક વખતે અમને રજૂઆત કરવામાં આવે છે, બોલાવવામાં આવે છે, અંદર બોલે કહે છે કે સીએસ લેવલની મીટિંગ થશે અને તમારા મુદ્દા અમે 10-15 દિવસમાં બધા પરિપત્ર આપી દેશું, પણ હજી સુધી અમને સર 4-5 વર્ષમાં અમે કેટલી વાર મિટિંગ કરી, કેટલી વાર અંદર બોલાવ્યા, એક કઈ મુદ્દાનું નિકરણ આવ્યું નથી કમ્પ્લીટ। મતલબ 2-3 મુદ્દાનું આપ્યું છે સોલ્યુશન, એમાં પણ વિસંગતા છે। ખાલી એક લિક્વરનું છોડીને બીજા બધા જેટલા મુદ્દા છે અમારા અત્યારે પડતર છે, અને ગઈકાલે જે અમારે સચિવાલયની આગળ આવવાનું હતું તે અમારે બહુ પોલીસ ફોર્સ લગાવી દેવામાં આવી અને અહીંયા સુધી પહોંચવા દેવાની, એટલે અમે રસ્તામાં પછી આ ગાંધીજી માર્ગે આંદોલન કર્યું અને રસ્તામાં બેઠા ત્યાં પણ અમે પોલીસ મોકલી દીધી અને ત્યાં અમારા ફોજી ભાઈઓ જોડે મારાપીટી કરવામાં આવી અને તેમાં અમારા એક શહીદ થઈ ગયા છે ભાઈ, અને એમને પોલીસ દ્વારામાં જે માર મારવામાં આવ્યો અથવા જે પણ ત્યાં કરવામાં આવ્યું એના દ્વારા શહીદ થયા છે, અને એમને હમણે અમારી માંગ છે કે શહીદનો દરજ્જો આપવામાં આવે, એમના પરિવારને 1 કરોડ રૂપિયા અને આર્થિક સહાય થાય, અને એમના એક પરિવારમાં થાય એકને એક નોકરી આપવામાં આવે કોઈને, એવી માંગો લઈને અમે સતત 4-5 વર્ષથી માંગણી કરી રહ્યા છે, છતાં પણ સરકાર કોઈ પણ મુદ્દાનો સોલ્વ ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરતી નથી અને દરેક વખતે લોલીપોપ આપી દે છે। ચોક્કસ છે, આપણી સાથે બીજા પણ એક માજી સૈનિક છે તેમની સાથે પણ વાત કરીશું। પ્રમુખ દ્વારા એક જાહેરાત કરવામાં આવી છે, અનશનની શું જાહેરાત છે અને ક્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ છે? દેખીએ, સબસે પહેલે તો આપકી ચેનલ સભી કલમવીરો કા મેં ધન્યવાદ અદા કરૂંગા, ઓર જિસ પ્રકાર સે જો આંદોલન કી બાત હૈ, જબ તક જો ડિમાન્ડ હૈ વો પૂરી નહીં હોગી, અભી તક હમ 6 મહિને સે 6 સાલ સે જો હૈ ઇનકે પાસ જાતે આયે શાંતિ શાંતિ કરકે હમને બડા સંયમ રખા, લેકિન સરકાર કી તરફ સે કોઈ પહેલ દિખાઈ નહીં દે રહી હૈ, ના હી ઉનકો ઇનકી કોઈ મનશા હૈ, ઉનકી નિયત મેં કોઈ हमें पक्का लग रहा है कि उनकी नीयत में बिल्कुल खोट है। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कुछ एक मैं कलम वीरों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो प्रिंट मीडिया है खास करके, ऐसा आप एक जवान जो है जिनकी आप तस्वीर देख रहे हो ये शहीद हुए हैं, और आप ऐसा लिख के एक जनता के बीच में गलत मैसेज दे रहे हैं कि उनकी खाना खाने के बाद तबीयत खराब थी, मैं वहां का गवाह हूं, साक्षी हूं। मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा हमारा पीने का पानी, हमारा खाने का जो कैटरर्स वाला था वो, ये सारा तो आपने पहले ही छीन लिया था, ले लिया था, उसको डिटेन कर दिया था, तो उस जो श्रीमान जो हमारे जो कांजी भाई थे उन्होंने खाना कब खाया? आप लोग कलम वीरो, कलम की ताकत, 1947 से जो न्यूज मीडिया का जो काम है वो सच्चाई से दिखाने का है, ना कि ऐसी भ्रम फैलाई और लोगों के बीच में ये सैनिक जवान हुआ है। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे गलत संदेश जो है, जितेंद्र निमावा जी जो है वो आज 2 दिन हो गए अनशन पे अभी तक जारी है, तो आप ऐसी चीजें मत डालिए कि भाई उनकी तबीयत ये इसकी वजह से खराब हुई है, वो शहीद हुए हैं और पुलिस के दमन से, वो भी जो है सरकार के कहने से,
पुलिस और फौज जो है दोनों सिक्के की दो बाजू होती है, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ जो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मजनक है, काला दिन के बराबर है। और मेहरबानी करके सारे न्यूज मीडिया को कह रहा हूँ कि तथ्य के बिना, सच जाने बिना कोई भी भ्रम ना फैलाए। ये भारत के अंदर, गुजरात के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। तो मैंने कुछ चैनलों का न्यूज पेपर पढ़ा और उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा लिखते हो आप लोग, पहले जानिए उसके बाद लिखिए। चौक्स थी आपने ये बतावा कोशिश करी अनशन पर है माजी सैनिक अपने बात करने कोशिश करी गई काल थी अनशन पर बैठा है हमारी पूर्व सैनिक की जो 14 मांग नहीं मगर ये उनका अधिकार उनका हक है, ऑलरेडी जीआर परिपत्र हुआ है, वो हम उनका पालन करवाना चाहते हैं सरकार के द्वारा, मगर सरकार उनका पालन नहीं कर रही है। हमको बिल्कुल रेवड़ी आज की डेट में फेमस हुई रेवड़ी दे रही है, हर बार पिछले 6 साल से हम लड़ रहे हैं, बिल्कुल जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक ये अनशन चालू रहेगा। हमारी मांगों जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये अनशन चालू रहेगा। हमने एक हमारा परिवार का सदस्य खोया है, वो भारत पाकिस्तान से लड़ाई में जीतकर आया है, कारगिल लड़ाई जीतकर आया है, और यह आंतरिक लड़ाई में वो उनका शहीद हो गए हैं, वो शहीद हो रही है। तो हम इसको, इस घटना को क्या बोलेंगे, इस घटना को भारत पाकिस्तान की लड़ाई बोले, सरकार को सोचना है। उनकी शहीद हम जाए बिल्कुल, उनकी शहीद उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनकी मांग, हमारी जो 14 मांग है वो सरकार पूरी करे और वो लेके रहेंगे, और उनके लिए भी हमारी मांग है, शहीद जो हो गया उनके भी मांग है, वो उनको सरकार 1 करोड़ दे, उनका परिवार सदस्य को 1 सरकारी नौकरी, उनका स्टेचू गांधीनगर में बना जाए, जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है इस घटना के लिए उनको डिसमिस फॉर्म सर। चौक्स थे 1 करोड़ रुपया जो शहीद थया है गई काले जवान तेमने आपवानी मांग करवामां आवी रही है, साथ ज तेओनी जे 14 मांगणीओ छे तेने लईने अत्यारे अनशन पर छे ते माजी सैनिक ग्रुपना प्रमुख छे ते बैठा छे, अत्यारे गांधीनगर नी अंदर कही शकाय के मोटी संख्या माजी सैनिकों छे ते आव्या छे ने ते तमाम जे सैनिकों छे तेओ उपवास पर बैठा छे, तेमनी एक ज मांग छे के सरकार अमारी वात ने सांभळे ने अमने निराकरण लावी आपे। बिल्कुल जयंती, विगतो साथे जोड़ा बदल आभार। तो हाल तो निवृत्त सैनिकों आज धरना यथावत जोवा मळी रह्या छे।